Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 2nd of May 2024. आज भी हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और देखेंगे कि कैसे उन आर्टिकल्स को हम लोग अपने यूपीएससी जर्नी में यूज कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंटेशन, एज अ करंट अफेयर सोर्स, कैसे कर सकते हैं प्रीलिम्स में यूज और मेंस में यूज, ठीक है। तो पहला आर्टिकल जो होगा आज का वो जीएसटी के अराउंड है। जो दूसरा आर्टिकल है वो इंडियन ओशियन रीजन की सारी कंट्रीज कैसे कोलैबोरेट कर सकती हैं, इंडिया उन सारी कंट्रीज के साथ, कि क्लाइमेट एक्शन पे कुछ काम किया जा सके, ओशियन वार्मिंग पे कुछ काम किया जा सके, उस पे है। और तीसरा जो आर्टिकल है, जो कि हमारा आज का लास्ट आर्टिकल होगा, वो इसरो ने चांद पे पानी होने के केस को एक और एविडेंस प्रोवाइड किया है कि वहां पे पानी था। और इसी के साथ हम लोग चंद्रयान के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि चंद्रयान जो है वो मून पे गया था और 3 मिशन जा चुके हैं और हमारा कंट्री फर्स्ट कंट्री भी बना है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग कराई है, इसलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल में लिखा है अप्रैल मंथ में, अभी जस्ट अप्रैल मंथ 2 दिनों पहले खत्म हुआ, उसमें जो जीएसटी का इनकम हुआ है, जीएसटी कलेक्शन हुआ है, वो 2.1 लाख करोड़ रुपीस हुआ है। मतलब 2.1 लाख करोड़ से ह्यूज अमाउंट, और जो कितने से बढ़ा है, जो अभी तक की हाईएस्ट टैली थी, अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड जो था वो 1.87 लाख करोड़ का था, बट ये बढ़ के अब 2.1 लाख करोड़ का हो गया, विच इज अ वेरी ह्यूज टारगेट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत अच्छा अमाउंट। ये प्रूफ कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, ऐसा कहना है हमारी फिनांस मिनिस्टर का। हमारे फिनांस मिनिस्टर ने बोला कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन वे ड्यू टू स्ट्रांग मोमेंटम इन द इकोनॉमी। ओके, अब एक और रीजन है कि अप्रैल में ही इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी टैक्स पेयर्स है ना, वो लोग को अपना सारा कंप्लायंसेस मीट करना होता है मार्च में। मार्च में जो है वो आपका फिनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो अप्रैल तक में ये लोग अपना सारा जीएसटी क्लियर किए। बट फिर भी अप्रैल तो पिछले साल भी आया था, बट इस साल जो है वो इकोनॉमी अच्छी बूम हुई है और 2.1 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। अब इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जीएसटी क्या है, कैसे फंक्शन करता है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्या होता है भाई ये, और इसके 3 हिस्से होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और अगर वहां पे लग रहा है कहीं पे तो वो है आईजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि अब मान लीजिए कि कोई पेन है, एक पेन है, ठीक है, वो पेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तमिलनाडु में। इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग हुई तमिलनाडु, ठीक है, और ये पेन आके बिक रहा है उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ इसका सेल। तो इस पेन पे कुछ जीएसटी लगता होगा, तो ये जो सेल का जो इसका जो जीएसटी है वो किसको मिलेगा, वो यूपी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे गुड्स बिक रहा है उसको इसका टैक्स दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग रेस्टोरेंट में ही खाने जाते हैं या कोई भी सामान आप खरीदिएगा तो एक बार उसके बिल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा उस पर 2 चीजें लिखी हो, एक एसजीएसटी, एक सीजीएसटी। एसजीएसटी क्या होता है, जो स्टेट का शेयर होता है जीएसटी में वो एसजीएसटी होता है, और जो सेंटर का शेयर होता है वो सीजीएसटी होता है। और जीएसटी जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है और 4 स्लैब्स में बटा हुआ है, ये तो हम लोगों को बेसिक नॉलेज है। तो इस तरीके से जीएसटी का फंक्शनिंग होता है, इस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन होता है। और तीसरा कंसेप्ट होता है आईजीएसटी का, कि अगर 2 स्टेट इसमें इन्वॉल्व है किसी भी गुड के परचेज में, मैन्युफैक्चरिंग टाइप चीजों में, तो सेंटर ये जीएसटी कलेक्ट करता है और इन दोनों स्टेट्स को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पंजाब है और तेलंगाना, ये दो स्टेट इन्वॉल्व हैं। तो इन दोनों स्टेट का टैक्स सेंटर ले लेगा और फिर इन दोनों को बाद में वो दे देता है। ये होता है हमारा आईजीएसटी। उसके बाद क्या हुआ कि जब जीएसटी लागू हुई थी, तो जीएसटी जब लागू हुई तो जितने भी स्टेट टैक्सेस थे उन सारे टैक्सेस को रिमूव कर दिया गया था। वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ऐसे टैक्सेस को इसमें हटा दिया गया था और इन सबको कंबाइन करके जीएसटी लाया गया था। तो स्टेट्स का उस समय डिमांड था कि हमारे लिए नुकसान है ये, तो हमें क्या मिलेगा अगर हम लोगों का टैक्स कलेक्शन कम होता है तो क्या होगा। तो सेंटर ने उस समय कहा था कि आपको जो है अगर जीएसटी कम आता है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। और ये कंपनसेशन जो होगा ये जीएसटी कंपनसेशन कहा। स्टेट्स ने कहा ओके, अग्री हो गया सारा मैटर यहाँ पे। इस बार जो है वो तो सेंटर ने क्या किया कि उस जीएसटी के सेस के लिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए एक सेस लागू कर दिया। ओके, सेस क्या होता है? ये टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऑन द टैक्स, इट्स सेस। तो ये जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लागू हुआ, इससे जो पैसे आते थे और बाकी सेंटर कुछ अपने हिस्से से लगा के अलग अलग स्टेट्स को उनके कुछ उनका फॉर्मूला है उस अकॉर्डिंग दे देता है। तो इस बार जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का कलेक्शन हुआ है वो भी ऑल टाइम हाई पे है, 13,260 करोड़ रुपयों का हुआ है अप्रैल के मंथ में, विच इज ऑल टाइम हाई। दैट शोज कि हमारी इकोनॉमी में अभी बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमी एक बूम पे है, एक मोमेंटम बढ़िया पकड़ी गई। ओके, अब हमारे लिए जब ये न्यूज आती है कि जीएसटी का कलेक्शन सबसे हाई हुआ है तो हमारे लिए जीएसटी के आसपास की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो हमारे डेली यूज के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे फ्यूल, मतलब पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जीएसटी के अंडर में नहीं आती, इन सब पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। ओके, क्यों नहीं होता है? क्योंकि इन पे टैक्स अलग से गवर्नमेंट लेती है, इन पे सब्सिडी भी अलग तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसका हिसाब अलग है। बट बाकी जो चीजें हैं उन पे 0%, किसी पे 5%, किसी पे 10%, 18%, यहाँ अपना अलग अलग स्लैब्स बने हुए हैं अलग अलग आइटम्स के, जो कि इतना जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी आपसे ये नहीं, कभी नहीं पूछने जा रही है कि आप बताओ कि 5% जीएसटी किस किस आइटम पे लगता है, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कौन से आइटम पे जीएसटी लग सकता है और किस आइटम पे जीएसटी नहीं लगता। ओके, तो आप इस चीज के बारे में एक बार देख लेंगे कि किस पे जीएसटी नहीं लगता। जैसे पेट्रोल, डीजल, इन पे जीएसटी नहीं लगता, ये लोग जीएसटी के एम्बिट के बाहर है, इनका अपना स्टेट्स का टैक्स है, सेंटर का टैक्स है, वो अलग। ओके, तो एक बार एक लिस्ट आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि किस किस आइटम पे नहीं लगता है, बिकॉज वो मे भी 1% चांस है कि कभी पूछ ले एग्जाम। यूपीएससी नहीं तो अगर कोई स्टेट के बारे में सोच रहा है तो स्टेट तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, इसके बारे में आप समझ ही गए। जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको पता चल ही गया। तो इस तरीके से ये वाली चीज हम लोगों ने देख ली। इस आर्टिकल में मेजरली कहा गया था कि सबसे हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन है और उसके अराउंड जीएसटी का जो छोटा मोटा एक भाग है वो हम लोग समझ गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ओके, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। चलिए, तो फिर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है? Sea also rises. India must collaborate with Indian Ocean country for data on warming. मतलब इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए बाकी इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ वार्मिंग पे डेटा कलेक्ट करना। क्यों करना चाहिए? ये है अगर हमारा मतलब एक रफ मैप है हमारे इंडिया, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, है ना। अब इंडिया के आसपास बहुत सारे इंडियन ओशियन रीजन में, ये वाला जो पूरा रीजन है इसको इंडियन ओशियन रीजन कहते हैं, इधर हमारा अंडमान निकोबार, इधर हमारा बहुत सारी कंट्रीज, इधर मालदीव्स हो गया या श्रीलंका हो गया, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो मोजाम्बिक हो जाता है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे देश, इधर फ्रेंच यूनियन आइलैंड है, इधर आपका ये हो गया मॉरिशस हो गया, ये बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। इस आर्टिकल का कहना है कि अलग अलग जितने भी ये छोटे से देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, इन आइलैंड नेशंस के साथ इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि वो ओशियन वार्मिंग पे डेटा कलेक्ट कर सके। क्यों है वो हम लोग इस आर्टिकल को एक बार पढ़ते पढ़ते समझेंगे। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया जा रहा है कि हीटवेव तो हम लोग आम शहरों में जो आजकल झेलते हैं वो तो हम लोगों को इतना ज्यादा हो चुका है हीटवेव कि हम लोग उसको आम मानते हैं, नॉर्मल, वो नॉर्मलाइज हो चुका है हमारे सिचुएशन। बट हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेक करता है इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, उसका ऐसा स्टडी आया है, उसका कहना है ये जो है हीट वेव ये हमारे मॉनसून को इफेक्ट करेगा। अब हमने पहले पढ़ा है कि मॉनसून को इफेक्ट करेगा मतलब बारिश जो है वो ज्यादा होगी या कम होगी या सही तरीके से नहीं होगी। सही तरीके से नहीं होगी मतलब हमें एक फेज्ड मैनर में बारिश चाहिए होगी, मतलब अगर एक अमाउंट ऑफ बारिश रोज हो रही है 10 दिनों के लिए, ये हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा है कि एक अमाउंट आज हो, एक अमाउंट कल, परसों तरसों, 10 दिनों के बीच में डेली एक अमाउंट हो। लेकिन सही तरीका क्या नहीं है, गलत क्या है, कैसे बारिश नुकसान कर सकती है। एक दिन 5x हो गया, एक दिन 2x हो गया, एक दिन 3x हो गया, ठीक है, 5, 2, 7, 3, 10, 10x हो गया, बाकी 7 दिन तक कोई बारिश नहीं। ये थोड़ा इराटिक कंडीशन है। ये कंडीशन जो है ये हमारे क्रॉप के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए ढंग की चीज नहीं है, ठीक है। और ये जब ढंग की चीज नहीं रहेगी हमारे क्रॉप्स को नुकसान होगा, हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, मतलब हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा। और जब हमारा फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट आएगा, हमारे खाना हमारा महंगा होगा, मतलब हमारा फ्रंटलाइन इन्फ्लेशन महंगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं। एक रिसेंट स्टडी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे की, जो ग्लोबल कार्बन इमिशन ट्रेंड है, जो हमारा अभी पूरे दुनिया में कार्बन के इमिशन का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके हिसाब से इंडियन ओशियन जो है वो 1.2 डिग्री तक वार्म होना था, लेकिन अब ये 1.7 से 3.8 डिग्री सेल्सियस तक वार्म हो जाएगा 2020 से लेके 2100 तक, मतलब अगले 80 साल में 1.7 टू 3.8 डिग्री सेल्सियस तक वार्मिंग हो जाएगी। अब जब इतनी ज्यादा वार्मिंग होगी तो एक्वेटिक लाइफ से लेके लोगों की लाइफ सब पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और इस चीज के चलते एक और जो चीज होगी वो क्या होगी, वो होगी मैरीन हीट वेव्स। मतलब जो आज के डेट में दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हम लोग हीट वेव्स देख रहे हैं वो हम लोग मरीन में भी देखने को मिलेगा, मतलब समंदर में भी ये हीट वेव वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और ये जब हीट वेव वहां समंदरों में चलेगा तो उसके चलते साइक्लोन्स का फॉर्मेशन, और जब ये साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा तो उसके चलते तो जनजीवन सब कुछ प्रभावित होगा। एंड एवरेज कितना रहेगा तो 20 डेज पर ईयर, मतलब 20 दिन पूरे साल में, या फिर 220 से 250 दिन पूरे साल में, मतलब 20 से लेके 250 दिन तक, मतलब 350 दिनों का लगभग हमारा साल होता है, 365 है तो मैं मान लीजिए 350 अगर को, उसमें से 250 दिन तक आ सकता है साइक्लोन, समझ रहे हो आप। मतलब हर दूसरे दिन से ज्यादा साइक्लोन की स्थिति हो जाएगी। अब जब इतना ज्यादा साइक्लोन आएगा तो ट्रेड भी तो होता है ना भाई, समंदर के रास्ते पे वो रास्ता भी तो अफेक्टेड होगा, हमारा ट्रेड अफेक्टेड होगा, जो बॉर्डर कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ अफेक्टेड होगी, जो आइलैंड नेशन में लोग रहते हैं इनकी लाइफ अफेक्टेड होगी, क्लाइमेट रिफ्यूजीज और ज्यादा बढ़ जाएंगे, डिजास्टर के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। ये तो एक सीरियस सिचुएशन बन जाएगी ना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। इस चीज के चलते इंडिया को जो है कोलैबोरेट करने की जरूरत है। प्रॉपर डेटा एनालिसिस के लिए सबके साथ मिलके इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि इसके चलते सिर्फ जो सरफेस लेवल का है वो नहीं बढ़ेगा हीट, बट एक्चुअली जो हीट कंटेंट है पूरे ओशियन का वो भी बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी गर्म नहीं होगा, ओवरऑल ओशियन का टेम्परेचर जो उसके अंदर जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है ओशियन वो भी बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा कि अभी जो है वो 4.5 जेटा जूल तक है पर डे है, ये इंक्रीज होके 16 to 22 मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। ये जेटा जूल क्या होता है? जो जूल होता है वो एनर्जी को हम लोग नापते हैं कि इतना 10 जूल खर्च हुआ, 20 जूल खर्च हुआ एनर्जी के। और जो जेटा जूल होता है 1 जेटा जूल इज 1 बिलियन ट्रिलियन जूल। जैसे हम लोग 10 लाख करोड़ कहते हैं वैसे 1 बिलियन ट्रिलियन जूल्स। ये वाली बात, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा उससे, ठीक है, विच इज अ अलार्मिंग सिचुएशन। सीवियर साइक्लोन का खतरा, मॉनसून इरेटिक हो जाना, अनइवन रेनफॉल होना, ड्रॉट्स का आ जाना, ये सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी पूरे रीजन में। इसलिए यहाँ पे भारत क्योंकि एक बड़ा देश है और भारत एक वैसा देश है ना जो अपने आसपास के सभी देशों का मतलब बिना किसी फायदे के हमेशा मदद करने की कोशिश करता है, इसलिए भारत को यहाँ पे पहल करने की जरूरत है। यहाँ से हमारा एक डिप्लोमेटिक भी रिलेशन उनके साथ और गहरा बनेगा। क्लाइमेट चेंज के प्रति तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में हमारी इकोनॉमी भी इससे अफेक्टेड होगी, इकोनॉमी पर भी हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इन चीज़ों को हम लोगों ने ढंग से रिजॉल्व कर लिया तो। इसलिए भारत को यहाँ पे एक अच्छा स्टेप लेने की जरूरत है। अब जैसे इसके आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग जाके बात करते हैं। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है। अब सिर्फ श्रीलंका का एग्जाम्पल लेगा तो धीरे धीरे पानी ऐसे अगर बढ़ेगा, वाटर लेवल राइज करेगा तो यहाँ का लैंड तो श्रैंक होगा ना। अब जब यहाँ का लैंड श्रैंक होगा, यहाँ पे एक तमिलियन पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत बड़ी रहती है और हमें पता है इस रीजन में नॉर्दर्न श्रीलंका में भी एक तमिलियन पॉपुलेशन है, तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बन के भारत में है। यहाँ एक मालदीव्स है, अब इसके पास तो और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अब इसके आइलैंड्स डूबने लगे तो हो सकता है ना यहाँ से भी लोग यहाँ पे क्लाइमेट रिफ्यूजी बन के आए। अब उसके और नीचे जाएंगे तो मॉरिशस है, मॉरिशस तो और छोटा सा 2-4 आइलैंड है वहाँ पे, मतलब जो हैबिटेटेड है, वहां से भी क्लाइमेट रिफ्यूजीज बन के आ सकते हैं लोग। तो इंडिया को इस चीज के चलते इशू फेस करना पड़ सकता है क्लाइमेट रिफ्यूजी का। प्लस हमारे यहाँ जो कोस्टल सिटीज है उनके डूबने का भी एक खतरा है, जैसे मुंबई हो गया हमारा, कोच्चि हो गया, या जो भी और भी यहाँ पे कोस्टल सिटीज है, इनका भी तो जब ओशियन का लेवल बढ़ेगा, सी का लेवल बढ़ेगा तो इन लोगों को भी तो डूबने का डर रहेगा। ये एक एडवर्स सिचुएशन बन सकती है, इसलिए इंडिया को यहाँ पे बाकी सारे कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है मिलके कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और बढ़िया साइंटिफिक इनोवेशन भी कर रहा है भारत, तो सारे देशों के साथ एक कोलैबोरेटिव अप्रोच लेके अगर हम लोग डेटा कलेक्शन करें, उनकी एनालिसिस करें, उन पे जहाँ भी हम लोग किस भी तरीके से काम कर सकते हैं या करवाया जा सकता है, इन सारी चीजों को अगर हम लोग करेंगे इट विल बी फ्रूटफुल। बेसिकली यही चीज इस आर्टिकल में कही जा रही है। और डिजास्टर को भी हम लोग कम कर सकते हैं तो डिजास्टर रेजिलियंस में भी काम आएगा। ओके, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के लास्ट आर्टिकल पे, पर वो है ISRO finds proof of enhanced possibility of water ice in polar craters of the moon. पोलर क्रैटर्स ऑफ द मून में क्या है, पानी मिलने की मतलब वाटर आइस मिलने का संभावना बढ़ गया, ऐसा हमारे साइंटिस्ट लोगों का कहना है। अब ये पोलर क्रैटर होता क्या है? पोलर तो आपको पता है पोल्स के पास, और क्रैटर जो है वो इस तरीके का होल काइंड ऑफ थिंग होता है, ये मतलब अ काइंड ऑफ होल जो है वो बड़ा बॉल की तरह आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा बॉल है, बाउल है, जिसमें पानी या आइस हम लोग रख सकते हैं, कुछ उस तरीके की चीज। और ये जो चीज है इसकी फोटो मिली है अभी हमारे साइंटिस्ट को, और इस चीज के चलते हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि हो सकता है कि वहां पे पानी के चांसेस ज्यादा हो, वहां पे पानी हो। ओके, आइए देखते हैं कि क्या लिखा है कि इनहांस पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर आइस इन पोलर क्राटर्स ऑफ द मून। और ये किसने कहा है? इसरो प्लस IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया, जेट प्रपोशन लैबोरेटरी और IIT ISM धनबाद, इन सारे इंस्टीट्यूट्स की एक कंबाइंड स्टडी हुई थी और उस स्टडी में रिजल्ट सामने आया है। अब आप सोच रहे कि मून पे पानी मिल जाएगा उससे हमको क्या, भाई अगर मून पे पानी मिलता है तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट होगा, इससे हमें पता चल सकता है कि मून का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वहां पे मिनरल एक्सप्लोरेशन से लेके उस वहाँ स्पेस स्टेशन से कट करना, वहां पे बाकी सारी चीजों को देखना, वहां पे मिनरल क्या है, हम लोग वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन के कुछ चांसेस है या नहीं है, इन सारे एक लॉन्ग रन में अगर देखी जाए चीजों को तो यहाँ तक बात पहुंच सकती है। इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है पानी वहाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ का जूलॉजिकल फॉर्मेशन। वहाँ का जूलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के मतलब हमारे अर्थ के जूलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, यूनिवर्स की जूलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी हो सकती है इन लॉन्ग, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और स्टडी में क्या कहा गया है, ये स्टडी सजेस्टेड द अमाउंट ऑफ सब सरफेस आइस इन फर्स्ट कपल ऑफ मीटर इज अबाउट 5 to 8 times लार्जर देन द वन ऑन द सरफेस इन बोथ पोल्स। मतलब कि कुछ फर्स्ट कपल ऑफ मीटर तक हम लोग अगर देखें तो 5 से 8 times बड़े बड़े आइस के क्यूब्स मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, जो कि अभी का जो सरफेस पे मौजूद है उससे 5 से 8 गुना बड़ा आइस का क्यूब, आइस का वो मतलब काइंड ऑफ क्या स्टैक हो सकता है वहां। और ये दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पे, और साउथ पोल वाली बात मतलब ये देखिए तो चंद्रयान 1 ने ये पिक्चर ली थी, ये उसकी स्टडी का है, और चंद्रयान 3 जो है हमारा वो साउदर्न पोल पे लैंड हुआ था, तो हम लोगों ने हर जगह पे स्टडी की है। और द एक्सटेंड ऑफ वाटर आइस इन नॉर्दर्न पोलर रीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ साउदर्न पोलर रीजन। जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है वहां पे आइस के जो है वो चांस ज्यादा है, वहां पे वाटर आइस मिलने के चांसेस और ज्यादा है नॉर्दर्न रीजन पे, कितने ज्यादा है, 2x ज्यादा है साउदर्न रीजन जो है उससे। एंड द स्टडी कंफर्म्स द हाइपोथेसिस दैट प्राइमरी सोर्स ऑफ सब सरफेस वाटर आइस इन लूनर पोल इज आउटगैसिंग ड्यू टू वॉल्केनिज्म इन इम्बेरियल पीरियड। देखिए यही है ना हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में ये चीज बता रही है, मून के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में बता रही है, इसके थ्रू हम लोग अर्थ के भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे स्टडी कर सकते हैं क्या। और ये जो रिजल्ट है ये इस बात पे भी एक डालता है कि किस तरीके से वोल्केनिज्म जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है, गर्म होना, क्योंकि वोल्केनो जो है वो गर्म चीज है, ये वॉल्केनिज्म किसी जगह की जियोलॉजी पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है वो भी ये चीज के चलते पता चल रहा है, समझे। और ये जो स्टडी है वो इसरो की जो स्टडी है ये इतनी क्रूशियल इसलिए है, इस चीज के चलते हमारा मून पे एक्सप्लोरेशन और बेहतर हो पाएगा। मतलब अभी तो सिर्फ चंद्रयान के लॉन्च होने पे हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा था कि आप लोग साउथ पोल पे जाके लैंड किए, अब हमने अगर नई डिस्कवरी की तो जिसको सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं कि ये पिछड़े देश, सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जब ये इनसे बड़े बड़े खोज करके आगे निकलेगा, जो कि निकलता भी है, ये लोग रिजेक्ट करते हैं भारत। जब ये सारे रिसर्चेज आएंगे, जब हम लोग और अचीव करेंगे इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो हमारा तो एक तो उसके चलते हमारा सॉफ्टवेयर एनहांस होगा, हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा, और उसके चलते हम लोग अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देख सकते हैं, और प्लस अपने जूलॉजिकल फॉर्मेशन के बारे में देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट वहाँ पे स्टडी किया जा सकता है, और अगर कोई वहाँ पे मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है तो भारत उस पर वहाँ मिनरल एक्सप्लोरेशन भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो ये किसी का चांद पे तो किसी देश का अधिकार है नहीं, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये चीज़ों को हम लोग को देखना होगा। अब यहाँ पे जब बात चंद्रयान की आ गई, तो चंद्रयान 1 ने फोटो ली है, तो चंद्रयान 1 तो खैर 2008 में लॉन्च हुआ था, तो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, बट हमें एटलीस्ट चंद्रयान 2 और 3 को तो जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेंट न्यूज है और ये इम्पोर्टेंट चीज है हमारी। चंद्रयान 2 और 3, खास करके चंद्रयान 3, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चंद्रयान 2 जो था वो कैसे लॉन्च हुआ था? वो GSLV Mk 3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसके थ्रू हुआ था, और चंद्रयान 3 कैसे हुआ था? LVM3 के थ्रू। ओके, ये GSLV Mk 3 और ये LVM3। चंद्रयान 2 में एक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था, और इसमें जो है वो लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड रोवर। ओके, ये तीन चीजें चंद्रयान 3 में थी। चंद्रयान 2 में एक कैमरा था, ठीक है, जिसके चलते हजार्ड डिटेक्शन होगा, और अवॉइडेंस कैमरा था। इसमें दो है, एक लैंडर हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा विच आर मोर रोबस्ट, जो कि ज्यादा रोबस्ट है। ये चीजें यहाँ चंद्रयान 3 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इन्हांस्ड है, ज्यादा बेहतर है। और इसका लैंडिंग साइट जो था वो कोशिश की गई थी कि साउथ पोल पे हो, बट सारी चीजें ठीक हुई थी, बट लास्ट में थोड़ा सा इशू कुछ आ गया था। बट जो चंद्रयान 3 का था वो कोई फिक्स साइट नहीं था, बस कहा गया था कि साउथ पोल पे कहीं पे भी हम लोगों को लैंड कराना है, और जिसमें हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे स्पेस रिसर्च इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराई, ठीक है। और जिस पॉइंट पे लैंड कराया गया चंद्रयान 3, उस पॉइंट का नाम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शिवशक्ति पॉइंट रखा। ये याद रखना है, शिवशक्ति पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 लैंड हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हमारा आज का एनालिसिस ओवर होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल की हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस लेके आप लोगों से इसी टाइम पे मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।